नाले पे बने हुए हैं, जो कि दरअसल एक नदी है। अब राज्य सरकार ने जब प्लान बनाया, इसकी रिसर्च की गई, तो गजेटियर में इसका जिक्र मिला। जो प्लान बनाया गया उसके तहत इस नदी को दोबारा जीवित करना था। अब रास्ते की बड़ी अड़चन थी यहाँ आसपास के मकान। सबसे पहले कार्रवाई अकबरनगर में हुई, जहां से घरों को हटाया गया, जमींदोज किया गया, बुलडोजर चलाया गया, 15 दिन में पूरे इलाके को प्लेन कर लिया गया। अब जहां से ये नदी शुरू होती है उस आसपास के इलाकों में एक्शन किया जाना है। सिंचाई विभाग ने पूरा सर्वे कर लिया है। अब एक एक करके उन्हें नोटिस देने के बाद सबसे पहले उन्हें पुनर्वासित करने की प्रोसेस शुरू की जाएगी, और उसके बाद शुरू होगा सरकार का एक्शन प्लान, जिसकी पूरी रूपरेखा तैयार हो गई है। लोगों में डर भी है, चिंताएं भी हैं, लेकिन सरकार पर भरोसा भी जता रहे हैं कि सरकार ने इंतजाम भी किया हुआ है। सरकार प्रधानमंत्री आवास आवंटित करने की जो जिस लीक पर चल रही है, जिस रास्ते पर चल रही है, उससे लोगों में भरोसा भी पैदा हुआ है। लखनऊ की एक पीढ़ी जिस कुकरेल को नाला समझती थी, दरअसल वो नदी है। 200 साल पहले उसका ओरिजिन हुआ था। कुकरेल वन एरिया से ये मार्टिनपुरवा में गोमती नदी में मिल जाती है। देखिए, ये अभी भी अबरारनगर इलाका है और इसके पीछे कुकरेल वन एरिया है। वहां पर जाएंगे तो वहां पर ये पूरा नाले की शक्ल में आ गई है। लोगों के घर हैं बिल्कुल नाले पे बने हुए, जो कि दरअसल एक नदी है। अब राज्य सरकार ने जब प्लान बनाया, इसकी रिसर्च की गई, तो गजेटियर में इसका जिक्र मिला। जो प्लान बनाया गया उसके तहत इस नदी को दोबारा जीवित करना था। अब रास्ते की बड़ी अड़चन थी यहाँ आसपास के मकान। सबसे पहले कार्रवाई अकबरनगर में हुई, जहां से घरों को हटाया गया, जमींदोज किया गया, बुलडोजर चलाया गया, 15 दिन में पूरे इलाके को प्लेन कर लिया गया। अब जहां से ये नदी शुरू होती है उस आसपास के इलाकों में एक्शन किया जाना है। सिंचाई विभाग ने पूरा सर्वे कर लिया है। सर्वे के बाद एलडी को रिपोर्ट सौंपी जाएगी, और एलडी अपनी रिपोर्ट के आधार पर लोगों को नोटिस देने की प्रोसेस शुरू करेगी। देखिए, यहाँ पे जो मकान है आपने देखा तस्वीर, लेकिन कुछ काम शुरू भी हो गया है। इसी नदी में इसकी साफ सफाई का काम शुरू हो गया है, जो अबरारनगर इलाके में चल रहा है। ये पूरा इलाका अबरारनगर माना जाता है। जरा दिखा दें कि कितने बड़े मकान यहाँ पर। देखिए, पूरा जो इलाका माना जाता है माइनॉरिटी बहुल इलाका है, और ये अबरारनगर है। कुकरेल वन एरिया के पीछे का हिस्सा है, और यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी भी बनी हुई है, पक्के मकान भी बने हुए हैं। और देखिए, यहाँ पर सरकार ने, प्रशासन ने कुछ काम शुरू भी किया है। ये देखिए, नाले को थोड़ा सा रोक कर सकरा किया गया, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होना है। ये जो पूरा वन एरिया है, यहाँ पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा और यहाँ पर पूरी जमीन को प्लेन किया जाएगा। जो प्लान है सरकार का यहाँ पर ग्रीन बेल्ट डेवलप करने का, यहाँ पर रिवर फ्रंट की, साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर यहाँ पर रिवर फ्रंट बनाने का, उस प्लान के लिए बहुत जरूरी है कि इंक्रोचमेंट को हटाया जाए, और वही तैयारी स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। अकबर नगर के बाद रहीम नगर और फिर अबरार नगर, ये दो ऐसे एरिया हैं जहां बड़े पैमाने पर अवैध रूप से लोगों ने अपने पक्के मकान बनाए हैं, और आज से नहीं बल्कि 25-30 सालों से यहां पर लोगों ने मकान बना रखे हैं। अब एक एक करके उन्हें नोटिस देने के बाद सबसे पहले उन्हें पुनर्वासित करने की प्रोसेस शुरू की जाएगी, और उसके बाद शुरू होगा सरकार का एक्शन प्लान, जिसकी पूरी रूपरेखा तैयार हो गई है। लोगों में डर भी है, चिंताएं भी हैं, लेकिन सरकार पर भरोसा भी जता रहे हैं कि सरकार ने इंतजाम भी किया हुआ है। सरकार प्रधानमंत्री आवास आवंटित करने की जो जिस लीक पर चल रही है, जिस रास्ते पर चल रही है, उससे लोगों में भरोसा भी पैदा हुआ है। लेकिन ये तस्वीर आप अंदाजा लगाइए कैसी रहने वाली है, जब पूरे इलाके को अवैध कब्जे से मुक्त करा लिया जाएगा, और जब रिवर फ्रंट बनकर तैयार होगा, तो सोचिए लखनऊ शहर की रौनक में चार चांद जुड़ जाएंगे। कैमरा सदैव सिंह के साथ मनीष यादव, टाइम्स नवभारत, लखनऊ।